को छोड़ दिया। अगर भगवान को पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। वो कहावत है ना कि भगवान भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। एक फूल भगवान के चरणों में पड़ा होता और एक फूल भगवान के गले में पड़ा होता, एक ही डाली के दोनों फूल हैं। लेकिन जो चरणों पे पड़ा होता फूल, वो गले में पड़े हुए फूल से पूछता है कि भैया हम दोनों एक ही डाली के हैं, फिर तूने ऐसे कौन से कर्म किए जो तू भगवान के गले में है और मैं भगवान के चरणों में हूं। तो वो गले वाला फूल जवाब देता है कि बीरन अभी जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है। जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब भगवान के गले तक आएगा एक सुई बीच से डाली जाएगी और धागा डाल करके तब तू गले तक पहुंच पाएगा। थोड़ा कष्ट तो मिलना ही है, उसके बाद तू गले तक पहुंच पाएगा। तो भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। राजा बलि बोले, महाराज अब तो मैं मानने वालों में से नहीं हूं, आप कुछ भी करो। नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, जवाब दिया कि तो राजा बलि बोले, महाराज नापे? बोले मैं खुद नाप लूंगा, तू तैयार मत हो जा। भगवान बोले मैं नापने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे नहीं, संकल्प तो पूरा कर दे। ठीक है, संकल्प की जब बारी आई तो गुरुजी सोच रहे चेला तो लुट हो ही जाए। उस लीला धर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाए डाली, पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। जो पानी रुका, अरे राजा बलि बोले, महाराज सागर से पानी नहीं आए रहो। भगवान बोले हमें पता तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। उस लीला धर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, कुसकी नोक चला करके झट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, बोले अब तो आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोलो तुम्हारी दोनों फूट जाए हम मानवे वाले नहीं। नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं। नापे महाराज? बोले नापो। तो भगवान ने क्या किया है कि उस विश्व रूप की छाया ने और सूरज के अंश नाप डाले। तीन लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के तीन कदम, बस आधा कदम और दे दे। जब आधे कदम की बात आई,
तो राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावती। और बुजुर्गों, राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। उसने जब भगवान को देखा तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही भगवान ने तीन कदम की पृथ्वी में तीनों लोक नापे तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। भगवान बोले, ए वस्तु, तेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। यही रत्नमाला द्वापर में आके हुई पूतना बोली गोविंद भगवान की। तो विंध्यावती ने भगवान से एक सवाल किया कि हे प्रभु, हमारे सवाल का जवाब दे दो। क्या दान बड़ा होता है या दाना? महाराज, दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले कि पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, पैसे वाले तो अनेक हैं, लेकिन उसे जो दान करे, वैसे व्यक्ति तो दुनिया में बहुत कम है। और राजा बलि जैसा दानी तो है ही नहीं, जिसने सर्वस्व लुटा दिया। तो बोले कि महाराज, हमारी नजर में तो दान से भी बड़ा दानी है। एकदम से भगवान की बात सुन के विंध्यावती बोली, महाराज दान तो आप ले चुके, अब दानी दानी बचे, इनकी पीठ ना पले वो। उस आधे कदम में भगवान ने जब पीठ पर कदम रखा, सिर पर एक पैर पहुंचा, तो राजा बलि का अहंकार खत्म हुआ और प्रभु के सामने राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान के सामने जब राजा खड़ा हुआ तो भगवान प्रसन्न होके बोले, ओरे राजा, तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि बोले, सुनो सुनो, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत ना है भिखारियन ते मांगवे की। अबे तुम हमारी दरवाजे पे खड़े, हम ते कह रहे थे कछु दे दियो, और हमसे कह रहे हो कछु मांग लियो। भगवान बोले, मांगो। तो कहा है कि अगर देना है तो पातालपुरी में जो मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले, चार महीना पहरा लगाएंगे विष्णु के अवतार हम, चार महीना पहरा लगाएंगे शंकर, और चार महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा। राजा बलि बोले, ब्रह्मा और शंकर ना आए, तुम आयोगे, तुम पहरा लगाओ। चलो, भगवान पहरा लगाने लगे, लेकिन एक बात और कही है कि ये प्रभु, जिस द्वार से हम निकले उस द्वार पे आप खड़े मिलो, बड़ो आनंद आवे भक्तन को सताए हुए। अब पता चलो, एक महीना है गो भगवान क्षीर सागर में नाए पहुंचे, पहरा लगा रहे, मैया लक्ष्मी बड़ी बेचैन है। और भगवत श्रोताओं कहते हैं कि लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी और एक मां लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है वो उल्लू पे बैठ के आती है, और जो मां लक्ष्मी है वो गरुड़ पे बैठ के आती। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, तो मां लक्ष्मी की पूजा होती है कब? दीपावली के दिन। मैया लक्ष्मी की सवारी है जो उल्लू, उसने मैया लक्ष्मी से कहा कि ये मां, तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई ना पूजे। तो मैया बोली, हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली पे। बोले जा, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले एक त्योहार होता है, कौन सा? माताएं माताएं बताएंगी, माताएं। दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार होता है कौन सा? करवा चौथ। आप क्या नहीं बोलते? करवा चौथ होती है। अच्छा, व्रत रहती हो? व्रत रहती है, बताओ कौन से पुराण में लिखी है?
मैया बोली, माफी चाहूंगी मैया, लक्ष्मी ने जवाब दियो कि दुनिया के जितने उल्लू है ना सब करवा चौथ के दिन पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, हे भगवान।